काम चल रहा है अभी, देखते हैं इसको खाएंगे कैसे। चड्डी में घुस जाए पता चल जाएगा। कुछ बनना है तो कुछ मतलब मेहनत करनी पड़ेगी यार। अगर कुछ मेहनत करनी है तो उसके लिए उस पीना पड़ेगा। तब होता है कि मैं पहली बार मैं कुछ ऐसी जगह में आया। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। सो भाई काफ़ी टाइम बाद में मेरे एक कैंपिंग वीडियो आई है, तो इस भाई व्लॉग को पूरी जरूर देखना। और इस बार साथ में भाई हमारे हैं पृथ्वी भैया। इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? बस वीडियो देख लेना आप यार पूरी। और भाई की जो है व्लॉग आज जो है हम मतलब अपनी लोकेशन पे लेकर आए हैं, जहाँ पे हमने जो है 1 घंटे की वीडियो शूट की थी। तो अभी जो है भाई को वहाँ पे लेके चलते हैं और वहाँ पे एक व्लॉग शूट कराते हैं। और छोटी सी कैंपिंग है और आपको दिखाएंगे कि कितना इस व्लॉग के अंदर आपको मजा आएगा। देख ये रही लोकेशन जहाँ पे भैया रात को लेके पूरी वीडियो शूट करी थी। फिलहाल भाई अभी हम यहाँ पर हमारी वीडियो शूट करने आए हैं। और भाई अगर मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पर जगह कुछ ऐसी सी है, लाइक अलग ही टाइप के जंगलों वाली जगह है। यहाँ पर कोई आता आता भी नहीं है, ऐसे पूरी लाइक पूरी दुनिया से सन्नाटा हो पड़ा है। ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और बस लाइक कुछ उल्लू की आवाज़ भी आ रही है ना भाई साहब। दिन में ही अलग ही सिस्टम है यहाँ पे। तो लाइक मैं पहली बार कोई ऐसी जगह पर आया हूँ पहाड़ों को छोड़ के। पहाड़ों में भाई अलग ही सन्नाटा रहता है, पर यहाँ पर भाई हमारे गांव में कुछ ऐसी जगह मेरे को पता नहीं था। ये जगह हमें पृथ्वी भैया ने बताई है, तो काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। इस पेड़ पे ना रात के टाइम वाइट कबूतर रहते हैं। इस पेड़ पे वाइट कबूतर रोजाना रात लगभग 8-7 बजे से आएगा और सुबह ही जाएगा, यहीं पे रहता है। हम लोग ने वीडियो शूट की थी ना तब वो यहीं पे मतलब हमारे साथ साथ ही था। एक उधर ऐसा जंगल उधर भी है, उधर हाँ वो देख सकते हो उधर। हाँ उधर में कुछ बाग टाइप लग रहे हैं, बाग है वहाँ पे आगे, बाग भी बाग से आगे है जंगल भाई साहब। वैसे मैं आपको बताऊँ ना तो हम कम से कम 7-8 किलोमीटर आए हैं, बहुत आगे आए हैं। और मैं भी पहली बार ही आया था जो 2 दिन पहले वीडियो शूट की थी। मेरे को भी ये लोकेशन जो है किसी ने बताई थी तो मैं यहाँ पे आया यार, बहुत मस्त जगह है। लेकिन ये रात को है ना, रात को बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। हाँ बाकी भाई मैं मानता हूँ डरावनी जगह तो है रात को ना, अगर आप आओ डर सकते हैं यहाँ पर भाई, क्योंकि ऐसे पेड़ भाई अलग कांटेदार और पूरा सन्नाटे वाली जगह, आस पास कुछ है भी नहीं भाई। सांप डर तो लगेगा लगेगा, सांप बहुत है इधर, सांप भी है। हाँ ये देखो भाई बिल भी है इधर, ये देखो इस आपके बिल लग रहे हैं शायद तक, है ना। कांटा बहुत है साहब, ये निकल रहे नहीं है चड्डी में घुस जाए पता चल जाएगा। इसको अलग ही प्यार हो गया भाई, बहुत ज़्यादा दिख रही है कुर्सी दिनों माल। हम कुछ सामान भी लाए अपना, वही सारा सामान स्टोव वगैरह इसमें से हम सब करते हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक रास्ते में आ ही रहा था और मेरे को यहाँ से ना उस जगह से कुछ एक छोटा जानवर जाता हुआ दिखा भाई। कितना मेरे को एकदम से दिखा, नीचे मुकरा और जानवर दिखा एकदम से मेरे पैर के पास से गया और आगे अगले सेकंड में गायब। जानवर दिख रहा भी नहीं भाई, पता नहीं क्या था यहाँ भाई कुछ। मैंने ना हमारा टेंट भाई सेट कर लिया है, पूरा टेंट तो लगा दिया हमने उसे, पर शायद हम बाहर इसके अंदर नहीं जाने वाले यार। एक कमी है, एक बल्ब और होता है ना इसके अंदर लाइट वाला। हाँ लगा लेंगे तो रात को सो, वो लगाने के लिए है वहाँ लगा सकते हैं। अच्छा हाँ मेरे पास थोड़ी है लाइट, एक ऐसी इसके अंदर लग सकती है, लगाएं तो। मैं देसी जुगाड़ बनाता रहता हूँ यार, मैंने खुद का कैमरा जो है ना वो उसके अंदर सेटअप किया हुआ है मैंने, पूरा ऑनलाइन मंगवाया था लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी यार, इससे धूप नहीं जाएगी के अंदर। हाँ धूप भी आएगी बस, तो पर धूप सही है अगर वरना रात को अपने कुछ बारिश आ रही है तो उसके लिए हमारे पास वो भी है। अगर ज़्यादा धूप लग रही है वो भी लगा सकते हो, आप इस पर लगा लो और धूप लग रही है तो। अगर कोई सही में भूत बात आ जाए तो, भूत आ जाए तो भैया जी इसमें देखो इसमें 4 कोने हैं, 1 कोना आप लो एक कोने जाके बैठ जाओ भाई हमें नहीं पता, और हनुमान चालीसा गाओ एक हम जाए बैठो हनुमान चालीसा स्टार्ट कर लो अपने, भूत का कुछ पता है नहीं संकट मिटे कटे सब पीरा। हाँ भैया हनुमान चालीसा पढ़ लेना रात की वीडियो अपनाते हो, कोई दिक्कत नहीं हम साथ लेके चलते हैं अभी ना मेरे साथ इतना, मैं ये अपना सास है कैंपिंग का सामान लेके आया हूँ मनाने के लिए। तो भाई इसके अलावा अपने मैगी भी लेके आए हैं कुछ, क्या कह रहे बहुत कुछ है। ये देखो इसके लिए ये क्या, ये देखो अपने साइड में लगाते हैं कहीं, तो
खुम्बा रोपने के लिए। हाँ इसको रोपने के लिए सुन लो, तूफान आ गया तो उड़े ना ऐसे बोतल, वैसे ही नहीं उड़ेगा ये। हाँ पर बहुत तूफान आता है, हमने देखा कि भाई जब जा तूफान आता क्या करना पड़ता है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है। लाइक हम हमारे छत के ऊपर लगाया था तो उस दिन है इतना गंदा तूफान, बाढ़ आ जाए तो बाढ़ पहले खाना खाए निकाल लो उसको बाढ़ बाढ़ के वक्त ना ये पानी तैर लो, इसके हम पानी जाता है नहीं उतने इतने जगह तक जो देख रहे हो उसके आगे भाई पानी ऊपर जा सकता है नीचे से जाने वाला, तैरा लो उसको। एक चीज़ मैं बताऊँ बाई चांस यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए ये कांटे हैं ना जो कपड़ों के अंदर घुस जाएंगे भाई, सोच नहीं सकते कहाँ कहाँ चुभेंगे कुछ। इसमें भाई की चड्डी है यार, नहीं माइक है, माइक ये लो निकल गया, ऐसा बहुत मेहनत करी है। कुछ बनना है तो कुछ बन मतलब मेहनत करनी पड़ेगी यार, अगर कुछ मेहनत करनी है तो उसके लिए उस पीना पड़ेगा यार। अब 1000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ के दिखा उसको छोड़ इस कांटे वाली झाड़ी पे चढ़ के दिखा दे। मेरे कुछ लवर्स है मेरे को वैसे मिलने वाले हैं नहीं और ये बस ये फट जाएंगे छलनी हो जाएंगे आर पार दिखेगा। लो भाई लोटा लेके बैठना भी सड़क पे कोई दिक्कत नहीं है। हम ना ये बाकी सामान तो ले आए पर पानी लाना भूल गए, पानी पानी लाए ना बोतल लाए पानी। आस पास में भैया बोला कि मेरे दोस्त है भैया लेके आए पानी, तब तक हम मारते हैं मौज। चलो भाई अभी भैया जा रहे हैं, जल्दी आना भैया। भाई वैसे ना कुछ ही बोलो भैया मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं हर एक, लाइक मैंने उनको बोला आज कि भैया आज कुछ वीडियो बनाने चलते हैं, कल उनकी वीडियो देख के मैंने कहा भैया मेरे को वीडियो बनानी है, भैया ने कोई बात नहीं सुबह चलते हैं। और आज भैया भैया आप ही के साथ में कि हाँ भाई सिर्फ मेरी वीडियो बना रहे भैया, लाइक लो भाई फाइनली भैया आ चुके हैं। बर्फ बर्फ लेके पूरी भाई इतनी गर्मी में बर्फ, अरे एकदम ठंडी ठंडी पानी ठंडी बर्फ लेके आया। शाबाश भैया जी, आज ठंडा हो गया रे भाई ये देख उठा के कैसे लाए हो भाई, साइड में पूरी पूरी जी ऊपर से वो सी आ गई। चलो ठंडी क्या बनाएगा, बस मैगी लाए, मैगी बनाएंगे बना फिर। और भाई अभी बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मैगी जो मैं साथ में लेके आया हूँ। बस भाई मेरे को थोड़ा सा डर है कि भाई ये ख़त्म ना हो जाए आरसी, थोड़ा अपना सास मान लेके आया हूँ बनाना स्टार्ट करता हूँ मैगी अपनी। ये पहले ना इस घर में रहता था जतिर भाई, भाई इस घर में रहता था, फिर उसने दूसरा घर चेंज किया और वो वाला घर किराए पर लिया, अभी ज़्यादा महंगा घर अभी लिया है जतिन भाई घर ही नहीं है। जतिन भाई इस टेंट में रहता है, रात को घर वाले निकाल देते हैं तो इस टेंट में रहते हैं। चलो क्या बनाओ बनाओ जल्दी से, मैगी बनाई उसे भाई काफ़ी टाइम से कुछ यूज़ नहीं किया, इसकी हालत ख़राब कर रखी है हमने, हालत सही हो जाएगी अभी। ये मैगी का यही फ़ायदा है, इसको ना कहीं पे भी बना सकते हो आप पानी में, इसको इस पत्थर पे रखेंगे ताकि जो है बाई चांस नीचे आग ना लगे, बस सेफ्टी पे चम्मच भूलने के बाद चम्मच ना लेकर इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर सारा सिस्टम है बनाने के लिए, उसके पास स्पून भी इसके अंदर दो भाई सब सारा कुछ था इसके अंदर, मेरे को पड़ा होगा मैंने चेक नहीं किया इतना। और अब जगह पछता रहे हैं चम्मच लाए नहीं, बनाओ चूरमा खाओ चूरमा और ना कुछ तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करते हैं फिर बनाते हैं मैगी अपनी, बना के मिलता हूँ आपसे। चलो भाई हमने जस्ते से करके मैगी तो बना ली है, भैया ने कुछ जुगाड़ बिठाया और भाई मैगी गई बन हमारी, और अभी देखते हैं इसको काम करके खाएंगे कैसे। बर्फ को ना मैगी के अंदर डाल देते हैं नया जुगाड़, बहुत ठंडी ठंडी मैगी होगी वो जो काम चल रहा है, अभी देखते हैं इसको खाएंगे कैसे। चलो भाई अभी हम हमारी जुगाड़ से बनी मैगी को करते हैं इंजॉय, तब तक आप वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो नहीं कराओ तो। अरे भाई पहली बार ना जुगाड़ करके ना ऐसे चम्मच से लाइक चॉप स्टिक बना के खाई है हमने, और मैंने तो खाई भैया जाके खा रहे हैं अभी आराम से, काफ़ी ज़्यादा मस्त लोकेशन है भाई, मैं पहली बार इस कुछ ऐसी लोकेशन पे आया हूँ उससे कुछ जंगल टाइप एरिया में, भाई खुद देखो है वैसे जंगल एरिया आपने बहुत कम देखे होंगे। और ये देखो भाई मेरे पूरे पूरे शरीर पर ये कांटे चुप गए,
निकालो भाई, ये तो लगे टाइप घंटे छुपते बहुत है ये। बाकी भाई वो देखो हमारा टेंट लगा पड़ा उधर। मेहनत करने के बाद ना अभी हमारा टेंट तो उसका सेट, और साथ में यहाँ पे एक भैया भी आए हैं, इनके दोस्त है। और भाई हमें ना इसको साथ सेट करना है पूरा, वो सारा सामान उसका सेट पैकअप कर लिया इनका, और चलते हैं अपने आगे कहीं घूमने। देखते हैं उधर भैया लेके जाएंगे कोई और जगह। आप कहाँ घुमाओगे? बस यहीं पे, इधर से चलेंगे, इधर से, इधर से दोबारा। हाँ देखो आज ना इस वीडियो बनाने में मज़ा बहुत आया है, क्योंकि मैं पहली बार मैं कुछ ऐसी जगह में आया, और उसके बाद भाई हम लाइक कुछ भूल भी गए थे, और साथ साथ में लाइक उसको लाने का कुछ दिक्कत हुई थोड़ी बहुत, और उस सबको एक चीज़ को ना एक्सपीरियंस कराना, तब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ भाई ऐसी जगह रहेंगे तो कैंपिंग करनी है तो हमें क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। भाई वो भाई आज पूरा एक्सपीरियंस मिला है इस जगह पर, छोटी सी जगह भाई जंगल से, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई वैसे जंगल को अलविदा कहते हैं, चलते हैं।